Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Mrs. Vaijayanti Patil. Students, today we are going to study 12th Arts Commerce Science subject English, in that we are going to study the poem 2.7, that is She Walks in Beauty. So this is the poem is written by Lord Byron. We will see. Before going to study this poem, let's study some information about our poet, that is Lord Byron. Lord Byron was a British romantic poet and satirist whose poetry and personality captured the imagination of Europe. Although made famous by the autobiographical poem Childe Harold's Pilgrimage, which was first came in 1812 to 1818, and he is perhaps better known today for the satiric realism of Don John, which was first came in 1819 to 24. सो लॉर्ड बायरन एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है. ये दो वर्क्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, इमेंसली पॉपुलर हो गए थे यूरोप में. उनका वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम दैट इज चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, एंड दूसरा वर्क है डॉन जॉन. इनके लिए बहुत फेमस थे रोमांटिक पोएट एज वेल एज सटारिकल पोएम के लिए बहुत जाने जाते हैं. सो लेट्स सी अबाउट द पोएम. So, She Walks in Beauty is a short lyrical poem in iambic tetrameter written in 1814 by Lord Byron, and is one of his most famous work. About the poem, ये जो poem है She Walks in Beauty, एक short lyrical poem है जो iambic tetrameter use किया है throughout this poem. ये three stanzas की poem है. Each stanza contains of 6 lines. So, this is the poem about a woman, woman's beauty. He is describing the woman's beauty as well as inner beauty as well as outer beauty. So it is said to have been inspired by an event in Byron's life. ये जो poem है इसका background पहले हम जानते हैं. ये जो poem लिखी है एक woman के ऊपर लिखी है, जो female beauty इधर describe की है उन्होंने. जब लॉर्ड बायरन एक पार्टी में गए थे लंदन में और 11 जून 1814, बायरन अटेंडेड अ पार्टी इन लंदन. अमंग द गेस्ट वाज मिसेस एनी बीट्रिक्स विलमॉट, हु वाज द वाइफ ऑफ हिज फर्स्ट कजिन दैट इज सर रॉबर्ट विलमॉट, एंड ही वाज स्टॉप बाय हर अनयूजुअल ब्यूटी, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोएम वॉज रिटन. क्या हुआ था? 11 जून 1814 का ये इवेंट है जब लॉर्ड बायरन लंदन में एक पार्टी में गए थे. उस वक्त उनकी जो कजिन की जो वाइफ है एनी बीट्रिक्स विलमॉट, और उनका कजिन का नाम है इधर रॉबर्ट विलमॉट. सो इनकी जो वाइफ की जो ब्यूटी है, सर रॉबर्ट विलमॉट की जो वाइफ है एनी बीट्रिक्स विलमॉट, इनकी ब्यूटी देख के जो पोएट है लॉर्ड बायरन है वो इतने अट्रैक्ट हो गए कि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने ये पोएम लिख दी. दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम. So we'll study this poem in detail. The first stanza: She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that is based of dark and bright meet in her aspect, and her eyes thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. Here, in this stanza, the poet has uses pronoun that is she. There is a known name given here, who is she. Only pronoun is used, that is she. ये जो poem है इसमें जो she use किया है, एक किसी particular person का इधर नाम दिया नहीं है. She's pronoun is generally used by Lord Byron. वो कैसे चलती है? She walks in beauty. उसकी जो walking style है लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज. उसका जो ब्यूटी है वो उसकी जो चाल है या वो चलती कैसी है, जैसे नाइट में जो नाइट का एटमोसफियर जो क्लीन एंड क्लियर होता है, स्टारी स्काइज है जिसमें क्लाउडलेस क्लाइम्स, जो क्लाइमेट है वो क्लाउडलेस है, क्लियर स्काई है. तो उसकी जो ब्यूटी है इस लेडी की वो नाइट से कंपेयर की है. बेसिकली नाइट एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन लॉर्ड बायरन ने इस लेडी का जो ब्यूटीफुल जो अपीयरेंस है वो नाइट से कंपेयर किया है. वो भी कैसे ब्राइट भी है एज वेल एज क्लाउडलेस है, जिसमें क्लियर स्काई दिखाई देता है, एंड ऑल दैट इज बेस्ड ऑफ डार्क एंड ब्राइट,
और जो भी बेस्ट वन है, जो ब्राइटनेस है एज वेल एज डार्कनेस है, नाइट का डार्कनेस और डे का जो ब्राइटनेस है, इसमें परफेक्ट बैलेंस है इन दोनों का. दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट, उसके चेहरे पे जो लाइट है या जो एक्सप्रेशन या उसकी जो ब्यूटी है वो कैसी है, दोनों का परफेक्ट बैलेंस है, नाइट एज वेल एज डे, विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, जिसमें इन दोनों का जो परफेक्ट बैलेंस हुआ है, इसकी वजह से उसकी जो ब्यूटी है वो और भी निखर रही है. व्हेन आई रीड दिस पोएम आई रिमेम्बर वन मराठी सॉन्ग. डू यू नो स्टूडेंट्स विच वॉज दैट? ओके, आई विल टेल यू. दैट मराठी सॉन्ग इज ही चाल तुरु तुरु उड़ती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बठ डळली जशी मावळ त्या उन्हात केवडच्या बनात नागिन सळसळली. जेव्हा जेव्हा मी पोएम रीड करते तेव्हा तेव्हा हे मला सॉन्ग आठवतं, बिकॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट पोएम इज इन्क्लुडेड इन दिस पोएम ऑल्सो. द सिमिलॅरिटी ऑफ द ब्युटिफुल लेडी इज सिमिलर इन बोथ पोएम अँड द सॉन्ग. दॅट्स वाय आय रिमेंबर दिस सॉन्ग. यू ऑल्सो कॅन कम टू नो वेन वील स्टडी दिस पोएम नेक्स्ट. So this is the first stanza. What is the analysis? We will see in detail. So you can read or you can pause this video and you can also read this analysis. The speaker begins by describing the beauty of an unnamed woman. He refers to her only by the pronoun she. As he says, she walks in beauty. This stanza makes use of the simile device to liken the beautiful lady to the night of the cloudless times and starry skies. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्यूटीफुल लेडी है उसका कंपैरिजन इधर पोएट ने नाइट एंड नाइट से किया है. इधर सिमिली यूज की है बिकॉज सी वॉक्स इन ब्यूटी. इधर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया है? सिमिली. सो दस द वुमन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम इज एज ब्यूटीफुल एज क्लियर नाइट स्काई. इधर जो लेडी का जो डिस्क्रिप्शन किया है उसका कंपैरिजन एक क्लियर नाइट स्काई से किया है. ऑल द डार्क एंड ब्राइट ह्यूज ऑफ द नाइट ब्लेंड ब्यूटीफुली इन द हर कॉन्फ्लेक्शन. जो भी नाइट का डार्कनेस है एज वेल एज डे का जो ब्राइटनेस है, इसका परफेक्ट बैलेंस उसके कॉम्प्लेक्शन में हमें नजर आता है. दस नेचर सीम्स टू हैव ब्लेस्ड द वुमन विद अ परफेक्ट बैलेंस. शी इज नाइदर टू डार्क लाइक द नाइट नॉर टू लाइट लाइक द डे. Instead, she radiates tender light which is neither too harsh and nor too dull. In short, जो poet जो night की जो darkness है वो ना कुछ ज्यादा है और जो day की brightness है वो भी ज्यादा नहीं है किधर भी. दोनों का perfect balance हमें उसके complexion में दिखाई देता है. So in the first stanza, the poet is describing a lady and he is compared her with a clear night sky. So we will see the next stanza. This is the stanza number second. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven chase or softly lightens o'er a face where thoughts serenely sweet express how pure, how dear that dwelling place. In this stanza, in the first two lines, the poet is describing her shade. One shade the more, one ray the less. कोई भी शेड डार्क नहीं है, कोई भी शेड ज्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब दोनों का जो परफेक्ट बैलेंस है. मतलब फर्स्ट स्टांजा में जो मीनिंग पोएट ने एक्सप्रेस किया है वो सेकेंड स्टांजा में भी उन्होंने कंटिन्यू किया है. वन शेड द मोर, वन रे द लेस, एंड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस. सपोज नेमलेस ग्रेस, पोएट के पास ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं है जिससे वो ब्यूटी को उसके एक्सप्लेन कर सके. मतलब वर्ड्स में उस लेडी की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वर्ड्स भी उनको बहुत कम पड़ते हैं इधर डिस्क्रिप्शन के लिए. सो उसका जो परफेक्ट बैलेंस है ब्राइटनेस और डार्कनेस का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग है हमें दिखाई देता है. विच वेव्स इन अ एवरी रेवन ड्रेस, अभी जो चेहरे की जो ब्यूटी है, फेस की जो ब्यूटी है, उसके बाद पोएट का जो पोएट ने जो शिफ्ट की है उसका जो डिस्क्रिप्शन अभी आया है उसके बालों के ऊपर आए, उसकी जो जुल्फे है वो कैसी है, एज ही इज कंपेयरिंग हर ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग ब्लैक हेयर विद द रैवन बर्ड हेयर.
विच वेव्स इन एवरी रैवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर अ फ्रेस. और उसकी जो जुल्फे है उसके चेहरे पे भी इधर हमें दिखाई देते हैं. जैसे मैंने आपको जो सॉन्ग बताया मराठी मराठी सॉन्ग जिसमें वो रेफरेंस है डाव्या डोया वर बट डहली, बट इसका मतलब है हेयर लॉक जो हम जुल्फो भी उसको कहते हैं, बाल कहते हैं. उसके चेहरे पे उसके जो बाल है वो अभी भी दिखाई देते, झलक रहे हैं वो बाल. और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर फेस वेयर थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर डवेलिंग प्लेस. मतलब उसके चेहरे की जो ब्यूटी है वो किससे और भी निकल रही है, उसके माइंड की जो प्योरिटी है, उसमें माइंड में जो इनोसेंट नेचर है उसका, वो और जो ड्वेलिंग प्लेस मतलब हमारे हमारे हार्ट में जो उसके इनोसेंट थॉट्स है वही थॉट्स उसके चेहरे पे भी हमें दिखाई देते हैं. नाउ यू कैन रीड दिस सेकेंड लाइन स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑल्सो. लुक एट द एसोनेंस इन फोर फर्स्ट दोज फर्स्ट फोर लाइन्स. वी हैव शेड रे नेमलेस ग्रेस वेव्स एंड रेवन. What Byron is essentially saying is that the woman's beauty is precise one. If the balance of light and dark in her features were slightly different, it would risk ruining her beauty. It means that उसका जो perfect balance है her complexion का, मतलब dark भी नहीं है as well as ज़्यादा bright भी नहीं है. Suppose एक भी शेड ज़्यादा होती darkness या brightness तो उसकी जो कंप्लीट ब्यूटी है वो मे बी डिस्ट्रॉय हो जाती और रून हो जाती. इन शॉर्ट पोएट इधर बोल रहा है कि परफेक्ट ब्लेंडिंग है उसके ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन का, इधर ब्राइटनेस और डार्कनेस का. हैड इन द सेकेंड लाइन शुड बी रीड एज अ वुड हैव द थॉट्स इन द वुमेन्स हेड बिहाइंड द ब्यूटीफुल फेस मस्ट बी ऑफ हाउ प्योर एंड डियर सी इज. मतलब उसके जो चेहरे के जो भाव है, इमोशंस है, वो कैसे है, उसकी प्योरिटी इधर एक्सप्रेस करते हैं. उसके इनोसेंट नेचर है, उसके माइंड के जो क्लियर माइंड है उसका इधर वो रिप्रेजेंटेशन है, उसका फेस, ब्यूटीफुल फेस. नाउ वी विल सी द स्टैंजा नंबर थर्ड. दिस इज द लास्ट स्टैंजा. एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो कॉम येट एलोक्वेंट द स्माइल्स दैट वीन द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो अ हर्ट हुज लव इज इनोसेंट. नाउ द शिफ्ट फ्रॉम द हेयर एज वेल एज जो फेस है, अभी पोएट इधर जो डिस्क्राइब कर रहे उसकी आंखें, उसके चीक्स. जो लेडी है एनिमेट्रिक्स विलमॉट, उनके जो चीक्स है और ब्रोज भी है वो कैसे सो सॉफ्ट सो कॉम येट एलोक्वेंट बट टेल ऑफ डेज द स्माइल्स दैट फीन द टिंट्स दैट ग्लो. उसके जो चेहरे पे जो स्माइल है वो क्या करती है, हर एक का दिल जो है जीतती है. बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, ये जो उसके चेहरे की जो सुंदरता है उसका मेन रीजन क्या है कि उसने जो अपना लाइफ जो लाइफ अभी तक का जो जिया है वो गुडनेस में स्पेंड किया है. मतलब उसने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कनिंगनेस उसके माइंड में नहीं है. आपको भी मालूम है कोई भी व्यक्ति के माइंड में सपोज बैड थॉट्स आ रहे हैं या कनिंग नेचर है तो उसके चेहरे पे हमें दिखाई देता है वो कनिंगनेस. सपोज एक व्यक्ति कंप्लीटली प्योर है तो सैक्रेड है, या उसके जो थॉट्स है जो हमें इनोसेंटपन दिखते हैं तो उसके चेहरे पे भी हमें वो जो इमोशंस है या भाव है वो दिखाई देते हैं. इधर पोएट जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसका सैक्रेड एक फरिश्ते के फरिश्ते जैसी वो दिखाई दे रही है. वो जितनी बाहर से भी सुंदर है उस उतनी ही सुंदर वो अंदर से भी है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी उनके लाइफ में बुरा नहीं किया है. वही प्यूरिटी उनके चेहरे पे हमें दिखाई देते हैं. अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो अ हर्ट हुज लव इज इनोसेंट. हियर पोएट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द इनोसेंट इनोसेंस ऑफ दैट लेडी ऑल्सो. और हम और भी एक मीनिंग इधर निकाल सकते हैं. दैट इज इधर पोएट जो डिस्क्राइब कर रहा है एक लेडी का आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी, उसके माइंड में किसी भी तरह का पाप नहीं है. वो कंप्लीट इनोसेंट से वो जो किसी लेडी का जो ब्यूटी है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. इधर उनके माइंड में किसी भी तरह के बैड थॉट्स नहीं है, बहुत ही इनोसेंट वैसे उन्होंने इधर इनका डिस्क्रिप्शन दिया है इस लेडी का. So you can read the analysis of this stanza also. Throughout this poem, the concentration has been on the head, hair and face of the woman.
This theme continues in the final stanza as the speaker introduces cheek and brow and lips. She wins people's over with her glowing smile. उसकी जो smile है, उसके जो चेहरे के भाव है, उसके जो eyes है, बहुत ही calm है, उसके जो emotions है, बहुत ही silent one है. कोई भी व्यक्ति सपोज एग्रेसिव दिखता है तो उसके चेहरे पे वो जो भाव हमेशा फोरहेड पे आते हैं, लेकिन इस लेडी के फोरहेड पे किसी भी तरह के बैड इमोशन या बैड थॉट्स नहीं है. बहुत ही इनोसेंट वन है, प्योर है. दिस फोकस ऑन द पॉजिटिव फिजिकल एट्रीब्यूट्स लीड्स टू द कंक्लूजन दैट मोरली सी इज ऑल्सो फॉल्टलेस. हर लव इज इनोसेंट. सी स्पेंड्स हर टाइम डूइंग गुड सजेस्ट योर सेंटली परसेट ऑन एंड बिहेवियर. उसका जो पूरा लाइफ है वो सेंटली जैसा उन्होंने स्पेंड किया है. कोई भी बुरा काम उन्होंने उनके लाइफ में किया नहीं. यही रीजन है ये बहुत ही इनर और आउटर ब्यूटीफुल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. वी विल सी द रिमेनिंग चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.